हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देख लिया थंबनेल के ऊपर कि आप कॉपी पेस्ट के वर्क से कैसे अर्न कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्न कैसे कर सकते हैं, फेसबुक से कैसे अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको फेसबुक पर जाकर दिखा देता हूँ। मैंने एक पेज क्रिएट कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं, शो ऑफ द ईयर नाम से मैंने एक रैंडमली पेज क्रिएट कर लिया। आपको पेज क्रिएट करना नहीं आता तो आपको सबसे पहले फेसबुक पर चले जाना है। फेसबुक पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड में आपको दिखाई देगा पेजेस का ऑप्शन। यहाँ पर जाने के बाद आपको क्रिएट न्यू पेज पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप पेज नेम, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन डालकर आप अपने पेज को क्रिएट कर सकते हैं, या आप फोटो लगा सकते हैं और अपना बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं। दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि आपको अर्न कैसे करना है। ऑनलाइन कॉपी पेस्ट का वर्क है। सबसे पहले तो आपको दोस्तों फेसबुक के सर्च बार में चले जाना है। वहां पर जाकर आपको लिखना है फनी किड्स वीडियो। फनी किड्स वीडियो सर्च करने के बाद दोस्तों आपके पास रिजल्ट यहाँ आपको सामने दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पर व्यूज देख सकते हैं, 5 मार्च 2021 को ये वीडियो अपलोड हुई थी और यहाँ पर 1,94,000 व्यूज आ चुके हैं और 20 आवर्स पहले यहाँ 92 व्यूज आपको दिखाई दे जाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम वीडियो उठा लेता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने ये वीडियो उठा ली है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको इन इनको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको जैसा कि ये लेड बीबल, ये आपको वाटरमार्क दिखाई दे रहा है, आपको इसको रिमूव करना है। वो आप किस मदद से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो आपको 3 डॉट पर जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी लिंक का एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, उस पर जाना। उसके बाद यहाँ पर आपको नए टैब पर जाकर यहाँ पर लिखना है FB वीडियो डाउनलोड रो, और पहली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर लिंक पेस्ट कर देना। लिंक पेस्ट करने के बाद आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे जाती है। उसके बाद आपके पास डाउनलोड का एक ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप बिल्कुल आसान तरीके से इसे डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हमारे पास 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाते हैं, डाउनलोड वीडियो इन नॉर्मल क्वालिटी, डाउनलोड वीडियो इन HD क्वालिटी। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डाउनलोड वीडियो इन HD क्वालिटी पर ही करें, क्योंकि ताकि आपकी वीडियो जितनी ज़्यादा HD होगी आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। जितनी ज़्यादा आपकी वीडियो HD होगी उतना ज़्यादा आपको फायदा है। यहाँ पर मेरी वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, मैं इसे डाउनलोड होने तक का वेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे की प्रोसेस आपको कैसे करनी है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको, अगर आप PC में कर रहे हैं तो आपको फिल्मोरा डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि मैंने फिल्मोरा ओपन कर लिया। अगर आप फोन से कर रहे हैं तो आपको काइन मास्टर ओपन कर लेना है। हमारी वीडियो डाउनलोड होने के बाद दोस्तों मैं आपको इंपोर्ट करके आपको एडिट करके दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो डाउनलोड हो चुकी है, सो इन फोल्डर पर क्लिक करके आप इसको देख भी सकते हैं और रन भी कर सकते। वंडर शेयर फिल्मोरा ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको मैं इंपोर्ट करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। मैं डाउनलोड के ऑप्शन पर जाकर, जैसा कि मैंने डेस्कटॉप पर सेव की थी, वहाँ पर मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस प्रकार से आपको इसे एडिट करना है। चलो दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा क्रॉप टू फिट और क्रॉप एंड जूम। यहाँ पर आप क्रॉप एंड जूम पर क्लिक करके आपको इसे रिमूव कर देना है। जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नीचे एक एक रेशो दिखाई दे जाएगा, इस पर जाना है और यहाँ पर आपको कस्टम सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी वीडियो को आसान तरीके से एडिट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा यहाँ पर रिमूव हो चुका है, यहाँ पर आप आगे भी इसे रन करके देख सकते हैं और अपनी थोड़ी बहुत वीडियो को बीच में कट भी कर सकते हैं, ताकि कोई भी कॉपीराइट का आपको इशू दिखाई ना दे। दोस्तों ये फनी वीडियो होती है, ये बच्चों से रिलेटेड वीडियो होती है, इन पर आपको कोई भी कॉपीराइट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये बिल्कुल आम तरीके से बनाई जाती है और ये किड्स रिलेटेड वीडियो होती है। आपको यहाँ कोई कॉपीराइट यहाँ इशू नहीं दिखाई देगा। देखो दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पर लोगो दिखाई दे, आपको सिर्फ उसे रिमूव कर देना है, क्योंकि ये कॉपीराइटेड जिसका मटेरियल है वो अपने लोगो ऐड कर देता है, ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। आपको दोस्तों 5 मिनट से ज़्यादा इसकी लेंथ रखनी है। आप 2-3 वीडियो डाउनलोड करके आप इकट्ठी एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आपको सिंपली सी एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है और अपनी वीडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है। जैसा कि दोस्तों मैं यहां पर एक्सपोर्ट कर लेता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि आपको किस प्रकार से इसे अपलोड करना है। दोस्तों वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, फाइंड टारगेट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। जैसा कि वीडियो मेरी ये है, यहां पर मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, किड्स मैंने इसका नाम रख दिया। उसके बाद आपको चले जाना कोई भी ब्राउजर पर जो भी आपको अच्छा लगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर ब्राउजर ओपन कर लिया। उसके बाद आपको फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड वीडियो पर चले जाना है। अपलोड वीडियो पर जाने के बाद आपको जो भी आपने वीडियो एक्सपोर्ट की थी उसको फाइंड कर लेना है। उसको फाइंड करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर मेरी वीडियो यहाँ है, मैं इसे डेस्कटॉप पर पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसे अपलोड कर देता हूँ, ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो। यहाँ पर मैं अपलोड वीडियो पर जाता हूँ। उसके बाद डेस्कटॉप पर मुझे किड्स के नाम से वीडियो दिखाई दे जाएगी, इसको आपको अपलोड कर लेना है।
अपलोड करने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस प्रकार से टाइटल लिखना है, किस प्रकार से डिस्क्रिप्शन लिखना है और किस प्रकार से टैग लिखना है। कि जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं हमारी वीडियो स्टार्ट होनी अपलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले तो टाइटल लिखना है। यहाँ पर आप नॉर्मली टाइटल लिख सकते हैं, फनी वीडियो किड्स, या फिर आपको जो भी अच्छा लगे वो टाइटल आप यहाँ लिख सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और टैग्स पर जाने के बाद यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं फनी किड्स वीडियो, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्राउज टैग्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको कैटेगरी यहाँ पर अच्छी, जो भी आपकी रिलेटेड कैटेगरी हो उसे आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको एक थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि आप यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थंबनेल के ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पब्लिश नाउ पर ही रखना है, ताकि आपकी वीडियो पब्लिश करते ही आपकी वीडियो पब्लिश हो जाए। यहाँ पर अपलोड होने के बाद आप इसे पब्लिश कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों। उसके बाद आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ आने लग जाएंगे, उसके बाद आपकी वीडियो पर टाइम्स भी आने लग जाएंगे, जो कि इनका क्राइटेरिया होता है फेसबुक का, 30,000 मिनट्स वो भी कंप्लीट हो जाएगी और 10,000 फॉलोवर्स भी आपको दिखाए जाएंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको दिखाया भी था इन पर कितने कितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 44 मिलियन व्यूज़ है इस वीडियोज़ पर दोस्तों। ये ज़्यादा कुछ ये वायरल जल्दी हो जाती है, इन पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इस प्रकार से कॉपी पेस्ट वर्क करके आप आसान तरीके से अर्न कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट भी करके ज़रूर बताना कि आपको कोई भी परेशानी हो तो।